हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑलरेडी थ्री लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं। ऊपर देखो आई बटन आ रहा होगा, वहां से आप बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो। एंड पीछे के पहले तीन लेक्चर्स देख लेना शदानो, इस वाले लेक्चर को बाद में देखना, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तीन लेक्चर, उसके बाद ये वाला लेक्चर्स। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट्स की प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप लोग अकाउंट्स कवर अप कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इकोनॉमिक्स को कवर अप कर लो। और इन नोट्स को अगर डाउनलोड करना है, उसका भी लिंक किस में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट्स को डाउनलोड कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसे नोट्स आपको किसी भी चैनल पर नहीं दिखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे कलरफुल नोट्स है, टाइम लगा है बनाने के लिए। आप लोग इस चीज का क्या लो, बेनिफिट लो, अच्छे अच्छे नंबर ला के दिखाओ बस। और क्या चाहिए अपने को, हैं? और क्या चाहिए सर? आप फिर बोलोगे सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, फिर तुम लोग भी तो कुछ करोगे, और लाइक भी करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। कोई गलत बात थोड़ी ना है, ना गिव एंड टेक का है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आपको भी तो बदले में कुछ देना चाहिए, है ना? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? यस सर, जरूर देना चाहिए। ऐसा आपके साथ भी तो होता है ना, आप अपने दोस्तों को समय देते हो, सब कुछ करते हो, कुछ एक्सपेक्टेशन भी होते हैं कि यार दोस्त भी हमारे लिए कभी कुछ काम आए, कुछ करे, और जब वो काम नहीं आता और आपको धोखा देता है, फिर कैसा लगता है? डैश डैश डैश, ठीक है। तो चलो बात करते हैं लास्ट कौन सी इंडस्ट्रीज की। सर, हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज पढ़ ली थी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पढ़ रही थी, अब हम पढ़ेंगे टर्शियरी इंडस्ट्रीज के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर आई बटन से पहले सारे पीछे के लेक्चर्स को देख लेना, कंटिन्यू करते हैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज के साथ शेतानो। और वीडियो को 15-20 मिनट से ऊपर की मैं वीडियो नहीं बनाता जानबूझ के, बिकॉज मेरे को पता है आपका फोकस इधर उधर चला जाता है। नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दिया करो, ताकि कोई दोस्त आपको इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर परेशान ना करे, और ध्यान से बस वीडियोस को देखो। टर्शियरी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। सर, ये क्या होती है? These are concerned with providing support services. सर, help करती हैं किसको? Primary industries को, secondary industries को, as well as activities relating to trade. तो भाई, primary industries, secondary industries को help करती है। इसके अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? ट्रांसपोर्ट। अब जैसे मान लो मेरी प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अब मेरे को जाना है ना, साइड पे तो जाना है मेरे को, भैया जहाँ पे मेरी कोल माइनिंग का काम चल रहा है, मैं वहाँ पे तो रह नहीं सकता कि सर मैं माइंस के अंदर सो रहा हूँ। मान लो मैं कहीं, मेरा घर कहीं और होगा, तो मेरे को माइंस के पास जाना है काम करने के लिए, तो क्या चाहिए मेरे को? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। अब सर, ये माइंस वगैरह से जो कोल मिलता है, उसको मैं ऑल ओवर इंडिया क्या करता हूँ? डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो लोगों से पैसे मंगवाने, हर किसी के घर पे जाके तो पैसे नहीं लेकर आऊंगा, क्या बोलता हूँ, भैया पेटीएम कर देना, भैया फोन पे कर देना, भैया गूगल पे कर देना। तो किसकी जरूरत है मेरे को बिजनेस करने के लिए? सर, बैंक की जरूरत है? नहीं है। सर, बैंक की जरूरत है। सर, अगर बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है तो बैंक से लोन भी तो लेना पड़ेगा। बोलो बोलो। यस सर, यस। तो वहां पे बैंक की जरूरत हो गई। फिर बात करते हैं सर किसकी? इंश्योरेंस कंपनीज की। सर, सर ये इंश्योरेंस क्या होता है? सर आप एक बार बता दो ना। अरे आगे टॉपिक आएगा, उसमें पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। इंश्योरेंस क्या होता है अच्छे से बताऊंगा, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सर वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग होता है आपका गोडाउन, है ना? आप लोग वर्ड बोलते हो क्या? गोडाउन। गोडाउन का एक बड़ा वर्जन क्या हो गया? वेयर हाउस, जहां पर आप लोग अपना स्टॉक रखते हो। तो भैया मान लो आपकी इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, आपने बहुत सारा जो है ना कोल माइन निकाल के रखा, कोल निकाल के रख लिया, अब क्या इसको ऐसे ही बाहर छोड़ दोगे क्या? कहीं सेफ हाउस में नहीं रखना क्या? सर उसको कहीं स्टोर नहीं करना? यस सर, स्टोर तो करना पड़ेगा। तो भाई उसको कहाँ पे स्टोर करोगे? सर वेयर हाउस के अंदर स्टोर करना पड़ता है। कहाँ पे? वेयर हाउस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी सपोर्ट सर्विसेज हो गई। सर कम्युनिकेशन, बिजनेस करने के लिए क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट, है ना? उसके लिए क्या चाहिए अपने को? मोबाइल फोन्स वगैरह, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जरूरी है। पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, सर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो बिना एडवर्टाइजमेंट के सेल हो जाएगा क्या प्रोडक्ट? नहीं सर। सर पैकेजिंग करनी पड़ेगी, खुला बेचोगे अपना प्रोडक्ट? सर पैकिंग वैकिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई? एक तरीके से सर्विसेज है आपकी सारी, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारी होती है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्रीज। क्या होती है सर? टर्शियरी इंडस्ट्रीज, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है बिजनेस करने के लिए। अगर ये ना हो तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो ये बैकबोन है भैया, अपने जो बैंक्स है वो क्या है? बैकबोन है इकोनॉमी के। अगर बैंक्स नहीं होंगे तो बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे बिजनेस, है ना? यस सर। आज की डेट में बिजनेस, बैंक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो गई है, है ना? बिना बैंक्स के कैसे बिजनेस कर पाएंगे? यस सर। अब तो इंडस्ट्रीज मैंने आपको सारी की सारी क्या करवा दी? खत्म करवा दी। फाइनली अब हम लोग किसके साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे? सर कॉमर्स। क्या पढ़ेंगे अब? कॉमर्स। सर कॉमर्स क्या होता है? देखो ध्यान से, कॉमर्स, कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। भैया कॉमर्स में दो एक्टिविटीज आती है, कौन कौन सी? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? बताऊंगा ना, ओवर एक्साइटेड नहीं होते।
सबसे पहले समझेंगे ट्रेड क्या होता है। ट्रेड करना मतलब बिजनेस करना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? सामान को मैंने खरीदा, सामान को मैंने बेचा, उसको क्या बोलते हैं सर? ट्रेड। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। भैया बहुत सारी एक्टिविटीज लगती हैं गुड्स को परचेज करने के लिए एंड सेल करने के लिए, है ना, सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए बहुत सारी और चीजें करनी पड़ती है। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट, हेल्प करने के लिए परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे मान लो अगर मेरे को कोई सामान खरीदना है तो सामान लाना पड़ेगा ना अपनी फैक्ट्री में। सामान लाने के लिए क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट। मान लो मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो बैंक से मेरे को टेम्प्ररी क्या लेना है? एक लोन लेना है। जैसे वो सामान बिक जाएगा, प्रॉफिट आएगा, बैंक को बैंक का पैसा दे दूंगा, प्रॉफिट अपने पास रख लूंगा। या फिर कहीं सामान आ रहा है दूर से, मान लो शिप से कोई सामान आ रहा है, तो मैं उस सामान का क्या करवाता हूँ? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है, देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने फैमिलीज में, अधिकतर फैमिलीज में हेल्थ इंश्योरेंस होता है। सर इसमें क्या होता है, मान लो एक कंपनी होती है, मान लो एक बंदा है मिस्टर राहुल। कौन है? मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल ने टाई अप करे कंपनी के साथ, मान लो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, नहीं लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते, कोई हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी लेते हैं, जैसे एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस। अब राहुल ने क्या करा, या राहुल को पता है कि देखो आज के टाइम में मेरी कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल वाले बिल्स बना देते हैं लाखों रुपए का। मान लो 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का बिल बन गया अगर कुछ ज्यादा सीरियसनेस हो गई। अब ये क्या हो गया भाई, अगर ऐसा हुआ तो राहुल को कितने पैसे देने पड़ेंगे अपनी पॉकेट से? 3-4 लाख रुपए जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा देना पड़ेगा। तो राहुल के सर के ऊपर क्या आ जाएगी? लाइबिलिटी आ जाएगी। आ जाएगी राहुल के सर पर लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी एक तरीके से क्या है? आपका रिस्क है भैया, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, आप रोड पे अच्छे से चल रहे हो, पीछे से आके किसी ने हिट कर दिया, आपकी तो गलती नहीं थी, गलती किसकी थी? उसकी। और लाइबिलिटी किसकी आ गई? आपकी। हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, पैसे किसकी पॉकेट से जाएंगे? भैया राहुल की पॉकेट से जाएंगे। अब ये बंदा क्या करता है, अपना जो रिस्क है ना वो किसके नाम, किसको दे देता है? एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। अब एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, राहुल जी आप हमें जो है ना, मान लो आप हमें 10,000 रुपीज पर ईयर दो, हर साल मुझे कितने पैसे दो? 10,000 रुपए दो पर एनम। साल के कितने पैसे मांगती है एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी? 10,000 रुपए। वो कहती है आप मेरे को 10,000 रुपए दो, साल में मैं आपको 5 लाख रुपए का क्या देते हैं? हेल्थ कवर देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेल्थ कवर देते हैं। आपको अगर बाई चांस हॉस्पिटल जाना पड़ा मिस्टर राहुल, तो 5 लाख तक का हॉस्पिटल का जो बिल है ना वो हम भर के देंगे। किसने बोला ये? एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बोला राहुल को। राहुल कह रहा है क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं आपको दूंगा 10,000 रुपए और बदले में एक साल के अंदर अगर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो आप मेरे को 5 लाख रुपए तक पैसे दोगे? यस सर। सर अगर मान लो बिल 2 लाख रुपए का आया हॉस्पिटल का तो भी ये कंपनी 5 लाख रुपए देगी? अरे नहीं, अरे ऐसे मत सोचा करो। फिर ये कंपनी सिर्फ 2 लाख रुपए देगी, मतलब इसका काम है हॉस्पिटल का बिल पे करना। सर अगर बिल 10 लाख का आ गया तो ये कंपनी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देगी, बाकी के 5 लाख आपकी पॉकेट से जाएंगे। तो सिर्फ 10,000 रुपए देकर आपको कितने का कवर मिल गया बच्चों? हेल्थ से कितने का कवर मिल गया? 5 लाख रुपए का। सर एक बात बताओ, अगर हमारी इस साल तबीयत खराब नहीं हुई, अगले साल तबीयत खराब हो गई, फिर ये 10,000 रुपए हर साल देने हैं? सर हर साल देने हैं, हर साल देने हैं। जिस भी साल आप पे नहीं करोगे तो ये जो आपका जो 5 लाख का कवर है ये क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, हर साल चलता है। जैसे मान लो अभी आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है भैया? 2023-24 के लिए आपने कितने पैसे दिए? 10,000 रुपए। तो आपको कितने का कवर मिल रहा है? 5 लाख का। अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा तो 5 लाख तक का बिल कौन पे करेगा? एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस। सर अब जो नया साल जो स्टार्ट होगा 2024-2025, तो सर ये कवर क्या हो जाएगा? जीरो। इस कवर को 5 लाख करने के लिए आपको फिर कितने पैसे देने पड़ेंगे? 10,000 रुपए। सर ऐसी तो बात गलत है ना, अगर मान लो अगर हमें हॉस्पिटल गए नहीं तो हम तो फालतू में तुम जाना चाहते हो हॉस्पिटल, तबीयत खराब करवाना चाहते हो, एक्सीडेंट कोई अपना करवाना चाहता है क्या? नहीं करवाना चाहता। सर मजे मजे में अगर मान लो हमने अपना छोटा सा एक्सीडेंट, यार ऐसी बातें मत करो, मजे मजे में एक्सीडेंट कोई करवाता है? हाँ नहीं तो इस कंपनी को डुबो दो तुम, है ना। सर बस पैसे मिलने चाहिए भैया, जितने का बिल होगा उतने पैसे देगी बस कंपनी, ठीक है। These are called services or auxiliaries to trade and include इसमें कौन कौन सी helping services। Auxiliaries to trade का मतलब होता है supporting services for doing business। Auxiliaries to trade, ठीक है। Auxiliaries क्या होती है? Supporting services for doing business। तो भैया ट्रांसपोर्ट की services चाहिए business करने के लिए, आपके offices है तो metros वेट्रो से लोग बाग आते हैं काम करने के लिए, yes sir। सर बैंक चाहिए business करने के लिए, yes sir।
इंश्योरेंस कंपनीज, यस सर, सर मोबाइल फोन वगैरह चाहिए? मालिक पूछता है ना, हाँ भाई कहाँ तक पहुंचा, टाइम हो गया अभी तक तू आया नहीं। एडवर्टीजमेंट चाहिए सर, ऐड करना पड़ेगा, शाहरुख खान को बोलोगे बोलो जुबा केसरी बोलो। यस सर, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर, एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ती है। बात करते हैं सर किसकी, पैकेजिंग चार्जेस, एंड बात करते हैं किसकी, वेयर हाउसिंग। पैकेजिंग तो आपको पता ही सर, प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो अच्छे से पैकेट वैकेट बना के, पैकेट आपका जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपका बिकेगा। बात करते हैं वेयर हाउसिंग, अभी वेयर हाउस मैंने आपको समझाया था सर, इट इज अ काइंड ऑफ अ गोडाउन। अगर आपने इतना सारा स्टॉक बना रखा है तो स्टॉक को कहीं ना कहीं आपको सेव भी तो करना पड़ेगा, तो कहाँ पे रखोगे सर, वेयर हाउस के अंदर रखोगे, ठीक है। कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉमर्स में दोनों चीजें आ जाती है सर, गुड्स को खरीदना भी, गुड्स को बेचना भी, दैट इज ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक, कॉमर्स क्या प्रोवाइड करता है, लिंक किसके बीच में, बनाने वाले के बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में, जो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेचने वाला और कंज्यूम करने वाला, तो कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है। कॉमर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, लिंक है किसके बीच में, अब जैसे मान लो एक कंपनी ने सामान बनाया और मैं हूँ कंज्यूमर, मेरे को उसको पेमेंट करनी है, तो मैं उसको जाके पेमेंट नहीं करना चाहता, तो मैं उसके बैंक अकाउंट में क्या कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये क्या है, बैंकिंग सर्विसेज सर, ये क्या है, कॉमर्स, तो इसने मेरे को हेल्प कर दिया, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में क्या आ गया, अपना कॉमर्स आ गया। बात करते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, अब सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे सर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे सर, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करेंगे सर, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करेंगे सर, ठोको मुझे, फिर बात करेंगे सर वेयर हाउसिंग क्या होते हैं, फिर बात करेंगे एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल रिलेशंस, एंड फिर लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, नहीं लास्ट नहीं है, फिर अपना क्या होएगा बिजनेस, बहुत सारा अभी तो बहुत सारा टॉपिक है, ध्यान से देखते रहना, तुम्हारे ऐसे एसएसटी के छोटे चैप्टर की तरह थोड़ी ना कि दो पेजेस के अंदर खत्म हो जाएगा, भैया क्लास 11th है और उसके अंदर भी बिजनेस स्टडीज है, लर्निंग पोर्शन बहुत सारा होता है, वैसे ही मैंने बुक में से बहुत सारा पोर्शन छोटा कर दिया, तो इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा जितना नोट्स में लिखा है। चलो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्या होता है सर ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, मान लो जो टी है, टी कहाँ पे ग्रो होती है, बच्चे बच्चे को पता है सर असम में ग्रो होती है, अब असम में टी तो ग्रो होती है, अब मैं तो रहता हूँ दिल्ली में, सर मेरे को चाय पीनी है तो मैं क्या करूँ, पहले असम जाऊँ चाय पत्ती लाने के लिए, है फिर तो चाय मैं पी नहीं पाऊंगा, बार बार सुबह उठ के पहले असम जाऊँगा, फिर वापस आऊंगा, फिर अगले दिन की सुबह हो जाएगी, फिर असम जाऊँगा, फिर चाय पत्ती लेकर आऊंगा, ऐसे सही है क्या, नहीं सर। अब क्या है, असम में अगर टी लीव्स अगर उगती है, चाय की पत्ती अगर असम में उगती है, उसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है ऑल ओवर इंडिया, तो कैसे जाएगा प्रॉब्लम, कैसे खत्म होगी सर, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज के साथ। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन, जो प्रोडक्शन होती है ना वो कई कई जगह, कुछ कुछ जगहों पे होती है, जैसे टी है वो कहाँ पे ग्रो करती है, असम में, कॉटन जो है वो कहाँ पे ग्रो करती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जूट कहाँ पे ग्रो करता है, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। क्या अब सिर्फ असम वाले ही सिर्फ चाय पियेंगे क्या, हम दिल्ली वाले चाय पीना छोड़ दें क्या, है ऐसा है क्या, नहीं सर, बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, भैया दिल्ली वाले लोगों को भी चाय पीनी है, पंजाब वाले लोगों को भी चाय पीनी है, हैं पराठे के साथ चाय वाय पीनी है। ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस, अब सर ये ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है सर, रुकावट, अब दिल्ली वाले लोग चाय क्यों नहीं पी पा रहे सर, रुकावट है, प्रॉब्लम है कि सर हमारे दिल्ली में चाय पत्ती नहीं उगती, तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करा जाएगा, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, भैया चाय तुम नहीं जा सकते तो चाय पत्ती तो आ सकती है ना, तो चाय पत्ती आ जाएगी टुक टुक करते हुए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है रॉ मटेरियल को मूव करने के लिए, भाई चाय पत्ती के खुद के पैर थोड़ी ना है, वो चल के आ जाएगी तुम्हारे पास कि आ मुझे पी ले, आ मुझे चख ले, है ऐसे थोड़ी ना, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपके पास आएगा ट्रक में लोड होके आएगा टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, तो पहले रॉ मटेरियल आया किसके पास, अब देखो चाय पत्ती थोड़ी ना ऐसे वो जो ब्लैक ब्लैक कलर की जो चाय पत्ती होती है वो पेड़ों पे लगे होते हैं, उसकी लीव्स होती है उसको आगे प्रोसेस करती है कंपनीज, तो पहले भैया जहाँ पे मान लो माउंटेन्स है वहां पे कहीं पे टी लीव्स क्या होती है, ग्रो होती है, वहां से टी लीव्स पहुंचती है कंपनी के पास, कंपनी उसको प्रोसेस करती है, उसको उसके अंदर कन्वर्ट करती है, छोटे छोटे आपके जो काले काले ब्लैक से जो दाने जो होते हैं उसको फिर पैकिंग करती है, 100 ग्राम का पैक, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 किलो का पैक, एंड फाइनली फिर फैक्ट्री से वो कहाँ पे जाती है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दिल्ली में जितनी रिक्वायरमेंट है दिल्ली में जाएगी, पंजाब में जितनी रिक्वायरमेंट है पंजाब, तो दो
ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो गई। एक तो जहाँ पे रॉ मटेरियल उगा है वो पहले कहाँ पे गया, फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री ने उसको फर्दर प्रोसेस करा और फिर किसके पास भेजा, कस्टमर्स के पास, तो दो बार ट्रांसपोर्टेशन हो गई। देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर कम्युनिकेशन। अब ट्रक वाला भैया है जो लेकर आ रहा है चाय के पत्ते, उसको फोन करके, हाँ भैया कहाँ तक पहुँचे, बहुत लेट हो गए तुम लोग, हमें जल्दी से रिक्वायरमेंट है आगे भेजनी है चाय पत्ते, कितनी देर में हो गए, तो भैया कम्युनिकेशन की जरूरत है नहीं है। यस सर, there is also a need for communication facilitated so that producers, traders and consumer may exchange information with one another. हाँ भैया मेरा सामान कहाँ तक पहुँचा, वो पूछेगा आगे भैया ट्रक कहाँ तक पहुँचा। Thus postal services and telephone facilities. Postal services आज की डेट में किसी को कोई चिट्ठी कौन लिखता है, ठीक है, तो postal services अब तो पुरानी होगी। Telephone facilities में also be regarded as, इनको क्या बोला जाता है, auxiliaries to business activities. तो main business activities to transportation, transportation करने के लिए क्या help करेगा आपका, communication, ठीक है। तो ये वाला वर्ड याद रखना, ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस, के सर ये जो रुकावट है प्लेस की, ये कैसे रिमूव होगी ट्रांसपोर्टेशन की। दिल्ली वाले अगर चाय पत्ते उगा नहीं सकते लेकिन असम से मंगवा तो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस, छोटे छोटे बच्चों आ गई आप लोगों को बात समझ में? यस, जल्दी से बोल दो और दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय, आज की मैं वीडियो यहाँ पर क्लोज करता हूँ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, बाय बाय।